पूरी दुनिया में इस समय लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक गंभीर विषय है और एक चुनौती भी है कि किस तरीके से इस संकट से निकला जाए। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं फिजिशियन डॉक्टर राजीव गुप्ता सर, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल ये आता है कि मौसम भी लगातार परिवर्तन हो रहा है, अगर थोड़ा भी सर्दी जुकाम लोगों को रह रहा है तो वो पैनिक हो जा रहे हैं कहीं उन्हें कोरोना तो नहीं है, तो सर उन लोगों के लिए सबसे पहले आपका क्या मैसेज रहेगा कि संकट में वो धैर्य के साथ कैसे इसी में? देखिए, चूँकि इसका सिम्टम कोरोना का सिम्टम और नॉर्मल सर्दी जुकाम वायरल फीवर जो होता है उसका सिम्टम मोर और लेस सेम है, तो इसलिए एक डर तो बैठना लाजमी है, इसको तो दूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर लोग ध्यान रखें तो स्वयं में एक लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कोरोना है कि नहीं है। जैसे नॉर्मली ये किसी दूसरे के थ्रू आता है, तो जो आदमी चार जगह बाहर घूम रहे हैं, जैसे आप लोग हैं, चार प्रेस वाले हैं, चार जगह जा रहे हैं, चार लोगों से मिल रहे हैं, अगर आपको ये होता है तो एक सस्पिशन रहता है कि किसी के थ्रू आ सकता है, तो उसमें तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो लेकिन कोई अगर घर पर रह रहा है, किसी एक्सपोज नहीं हो रहा है, उसको इस तरह सर्दी जुकाम खांसी होती है, तो मोस्ट ऑफ द केस वायरल ही होता है जो मौसम होता वही है। या कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है किसी पर्टिकुलर मौसम में, खासतौर पर गर्मी में या जब मौसम बदलता है, उनको सर्दी जुकाम बुखार खांसी हो जाता है। तो अगर मान लीजिए उनको हर साल मई में ऐसा होता है, इस बार भी हो रहा है और लोग किसी पब्लिक को एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, घर पर रहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन ही होगा, कोरोना नहीं होगा। जी सर, WHO की रिपोर्ट की बात कर लें तो उनका भी कहना है कि हो सकता है ये वायरस कभी जाए ही ना, तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने आप को या यूँ कह लें कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को सर कैसे इतना मजबूत बनाएं कि इस रोग से हम लोग लड़ पाएं? देखिए, अगर मोटी बात यह है, अगर आपका खाना पीना अच्छा है, अच्छा मतलब होता है प्राकृतिक खाना है, सब कुछ आपको मिनरल्स विटामिन सब मिल रहे हैं, तो इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। उसके अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें जो हम लोग पुराने चीज़ें चली आ रही हैं, जैसे योग हुआ, योग है, एक्सरसाइज है, अगर इसको हम लोग रेगुलर करते रहेंगे इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। पर जैसे आयुर्वेद वाले बताते हैं कि गर्म पानी में नींबू और शहद डालने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, वो कर सकते हैं, चवनप्राश ले सकते हैं, ये सब अगर करेंगे तो कलेक्टिव एफर्ट से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। प्लस हम लोग में मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स आती हैं एंड उससे भी थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ती है, तो ये सब साथ साथ तो इम्यूनिटी से बढ़ जाएगी तो कोरोना के चांसेस कम हो जाएंगे। सर, इस महामारी ने बहुत सारी समस्याएं या फिर यूँ कह लें कि बहुत सारे क्षेत्रों पर भी चोट पहुंचाई है, उन मरीजों के आगे भी बहुत बड़ी चुनौती है जो जैसे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं या फिर यूँ कह लें हृदय रोगी जो भी हैं, वो डॉक्टर्स तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो अगर घर में भी हैं तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा कि नहीं वो भी कैसे अपने आप को इस समय सुरक्षित रखें? देखिए, डॉक्टर्स तक नहीं पहुंचना अब कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है, जब से फ़ोन, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल सुविधा हो गई है। जैसे मेरे ही पेशेंट हैं, रोज़ कम से कम 15-20 लोगों का फ़ोन आता है, कि मेरे पेशेंट तो पेरिफेरी के भी रहते हैं, गाजीपुर, जौनपुर सबके, तो बेचारे आ नहीं सकते हैं, उनका फ़ोन आता है, फ़ोन पर हाल सुन के दवा बता दी जाती है। बहुत होता है उनको, हम उनसे बोलते हैं भाई अपना BP चेक करवा लीजिए, बता दीजिए। कोई खास चीज़ रहती है तो हम वीडियो कॉल पर चले जाते हैं, जिसको पेशेंट को हम देख लें, पेशेंट में हमको चेहरा देख लेते हैं, सेल्फ फिक्शन हो जाता है। तो अगर हमको जो है, अगर कोई पुराना फॉलोअप पेशेंट है डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, हार्ट का, तो उसको मोले सेम दवाई चलती रहती है, अगर उसका BP कंट्रोल चल रहा है, शुगर कंट्रोल चल रहा है, तो जो भी पेशेंट्स हैं उनको पास डॉक्टर्स का नंबर रहता है ही है, कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो कोई अगर दवा चेंज होनी है, कुछ होना है तो हो जाएगा। तो आज के जब तकनीक इतना आगे बढ़ गया है तो ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं रह गई है। सर, अगर हम बात कर लें तो लॉकडाउन 3 के बाद से ही थोड़ा बहुत हमें जो है कि ढील देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़रूरत है अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, और लॉकडाउन 4 में भी सरकार ने एक इशारा किया है कि अब नए प्रारूप के साथ आएगा लॉकडाउन 4। सर, अब हम अपने आप को या फिर हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग हैं, अपने आप को कैसे तैयार करें कि नहीं अब कोरोना है ही, लेकिन उसके साथ भी हमें काम अपना करना ही करना है? अब जैसे WHO ने कहा है कि 2 साल तक शायद कोरोना रह सकता है, हम लोगों के साथ काम करना है, इसकी अपने पीक्स एंड ट्रफ्स आएंगे, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, तो उसमें जो हम लोग अभी कर रहे हैं उसको समझ लीजिए कि हम लोग ये रोज की जीवनचर्या बन गई है, मास्क लगाना ही लगाना है, घर के बाहर निकले मास्क पहन के निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है ही है। तो देखिए, ये इसमें सबसे एक अच्छी बात ही बोलिए कि एक मरीज के थ्रू दूसरे में फैलता है, अगर हम लोग इस चेन को ब्रेक कर दें तो ये वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। चेन को ब्रेक करने का क्या सिस्टम है, हमने मास्क लगा लिया तो अगर अगले को सर्दी खांसी जुकाम है, हम भी लगाएं, वो भी लगाया हुआ है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे तक आएंगे नहीं, इससे फैलना रुक जाएगा। दूसरा, ये कपड़े में, हाथ में, कहीं पर अपना रह सकता है, अगर हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे 6 फीट का,
तो उससे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इससे एक दूसरे में नहीं फैलेगा। तो अब हम लोग को मांग के चलना पड़ेगा कि आगे कुछ महीनों या हो सकता है साल दो साल तक हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कि भीड़ न लगाएं, भीड़ वाली जगह पर न जाएं, थोड़ा डिस्टेंस बना के बैठें, मास्क हमेशा रहें, सफाई का ध्यान रखें, बराबर हाथ अपना धोते रहें। अगर इस तरह करेंगे तो मैं ख्याल से काफ़ी हद तक लोग बचे रहेंगे। तो बिल्कुल जो भी आपको एडवाइस दी जा रही है हमारे डॉक्टर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, आप उसका पालन जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क जरूर लगाएं और कृपया करके अफवाहों पर ना जाएं, सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।